बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी सब ठीक हैं। जो भी मेरे बहन भाई देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, बाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, अपने हिफ्ज़-अमान में रखे। इसी नेक दुआ के साथ आज के वीडियो का आगाज़ करती हूँ जी। सुबह को मैंने सारे काम कर लिए। सबसे पहले जो मैंने काम किया, नमाज पढ़ी, उसके बाद मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया। फिर आप पास ही बैठ कर आटा गूंद लिया, और जैसे ही पानी गर्म हुआ मैंने मशीन निकाली और उसमें डाल दिया और सर्फ डाल दिया, कपड़े डाल दिए, कपड़े धुलने लग गए, मैं इधर आके नाश्ता बनाने लगी। तो जी नाश्ता भी साथ साथ बनाकर उधर से कपड़े निकालती गई, रखती गई, फिर मैंने नथारे और उसके बाद मैंने स्पिनर किया। अभी मैं आपको बॉयल की भी दिखाती हूँ जी। अभी ना फरमाइश हो गई थी कि धूप बहुत ज्यादा निकली हुई है, तो ये 3-4 दिन हो गए थे गाजरें आई हुई, तो जूस बना ही नहीं सके सर्दी की वजह से, कुछ मसरूफियात थी तो इसकी वजह से। तो अभी जी मैंने टमाटर को भी 2-2 पीस कर लिया, और गाजरें भी मैंने ना हल्की हल्की छील कर तो उसको ना अच्छे से काट कर धो लिया। तो अभी जी मैं बनाने लगी हूँ जूस, और बाकी जो दिन भर की जो भी रूटीन होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी अभी जल्दी से बनाती हूँ जूस, क्योंकि वो मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि धूप जो है ना, तो बैठ कर पीने का अपना ही मजा। तो जी ये शोर बहुत ज़्यादा करती है मशीन, इसलिए मैं ना जब बनाऊँगी ना तो फिर जी गाजर का मैंने निकाल लिया जूस। अभी मैं इसमें रखती जा रही हूँ, क्योंकि बकरियों को डाल देंगे, बकरियाँ आराम से खा लेंगे। इसको अभी धोते हैं, पहले माटी का निकाल लें। इधर ना शॉर्ट ना पड़ जाए, मैं इसलिए ना इधर इसको साफ कर रही हूँ कि पानी है ना तो फिर ऐसे ना हो कि मुझे करंट लग जाए। अभी जी ये भर गया, मैं ना इसको निकाल लेती हूँ। इसकी ना जाली टूट गई है, जिसकी वजह से ना ये जो बीज है ना इसके इसमें आ जाता है। आज की थोड़ी है ये, बहुत अच्छा पहले मेरे अल्लाह जन्नत में घर करे भाई ने मुझे लेकर दी थी। जब हमारे गांव में लाइट आई थी ना, तो मेरे सलमान के ना, मेरा बड़ा बेटा जो है डिसेबल है, तो उसको ना डॉक्टर ने बताया था कि जूस बना कर दिया करे गाजर का और ये मार्केट का। तो मेरे भाई ने कहा कि उधर गांव में तो मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है कि उधर जूस मिले, तो शहर जाना पड़ता था ये मार्केट का जूस के लिए। तो मेरे भाई ने ये मुझे लेकर दी। उन्हीं दिनों में 1992 में लाइट आई थी, तो 1992 में ये मशीन और वो मशीन मेरे भाई ने, बड़े ने और मेरी भाभी ने लेकर मुझे दी थी। कह रही थी ये तुम्हारे दाज में इसलिए नहीं दिया क्योंकि उस वक्त लाइट नहीं थी, तो जब लाइट आई तो फिर मेरा बेटा जो है उसका ऑपरेशन भी हो गया था, तो डॉक्टर ने बता दिया और बहाना बन गया जी सलमान साहब को दिया, तो दिया वैसे उन्होंने मुझे। वो तो बेचारे अब इस दुनिया में नहीं है, तो देखें उनकी यादें जो है ना अभी भी मेरे साथ हैं। अभी भी मैं ये इसमें जूस बनाती ना तो उनकी याद आती जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखे जी, मैंने ये सारा जो वेस्ट है मैंने इधर रख दिया, गाजर का और माटे का। अभी जी मैंने माटे का भी बना लिया और गाजर का भी, मैं इसमें नमक लगाने लगी। माटे का डाल दिया मैंने, अभी जी मैं गाजर का डालने लगी इसमें।
अब ये दूसरे आकर बनाती है, अभी उनको दे दी। मेरे दुपट्टे अभी ना सूख गए थे तो मैंने इनको उतार के लिया, अभी ये देखा कपड़े सारे माशाल्लाह से काफ़ी सारे सूख गए। ये जैकेट भी मैं ना इधर जैकेट अभी ना अंदर से मैंने इसको सुखा दिया, मैं इसको ऐसे लटका दूँगी ना तो जो जल्दी से सूख जाएगी। ये भी मैंने बाहर निकाल के मैंने कहा जल्दी से सूख जाएंगे। क्या हुआ उसने सही दे? क्या हुआ जिनसे इंडिया? जी मैंने ना मसल जो है ना वो पकने के लिए रख दिया कुकर में, और साथ ही मैं ना ये रात का आटा इतना बचा हुआ था और ये सुबह का आटा, मैंने सोचा कि पहले ना रात वाला जो है ना वो आटा बना लेती हूँ रोटियाँ, तो फिर बाद में जो दिन का है ना वो उसकी रोटियाँ बनाऊँगी। तभी ये सारे पेड़े कर लेते क्योंकि ठंडा आटा है तो थोड़े से ना ये गर्म हो जाएंगे पेड़े पड़े पड़े, तो रोटी अच्छे से बनेगी। इधर मसाला रख दिए, नमक मिर्च हल्दी अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट डालकर, तो तड़के के लिए मैंने वो प्याज और एक लहसुन के जवा रखा उसका लगाएंगे हम तड़का। पाँच हो गई अभी थोड़ा सा जी, तो माशाल्लाह से ये देखे जी हमारे मसल पक गए हैं, थोड़ा सा अभी ना पतले पतले लग रहे हैं मुझे क्योंकि हम थोड़े से गाढ़े गाढ़े खाते हैं, तो मैं तो जी ये चावलों के ऊपर डाल कर तो खाने लगे ये पकते रहेंगे। मैं इसके ऊपर दे देती हूँ ढकना, और इधर मैंने चाय रख दी है क्योंकि गैस जाने वाली ये रोटियाँ बना कर ना मैंने रख दी सबके लिए गर्म गर्म रोटी माशाल्लाह से फूल के। तो अभी जी कल के ना पड़े हुए थे चावल तो मैं ये ना मसलों में डाल कर ना तो खाने लगे, मुझे तो बहुत भूख लग गई, मैंने जूस थोड़ा सा ही पी लिया बस। और जिस मेरे बहन भाई ने हमारे साथ खाना खाना वो भी आ सकते हैं खा सकते हैं मसल चावल और रोटी रोटी मसल। बड़े मज़े के बने, अभी थोड़े से पतले हैं जब गाढ़े हो जाएंगे फिर उतार लेंगे। हाँ जी जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से जी खाना भी खा लिया था चाय भी पी ली, तो जी कपड़े जो सारे सूख गए थे मैंने सारे लेके आ गई हूँ और तय लगा लिया। अब ये मैं अलहदा अलहदा करने लगी मेरे और मेरी बेटी के उधर हम इस टाइम में रखते हैं, तो बाकी जो हैं उनके अपने अपने किसी के बैगों में किसी के टैची में रखते हैं। तो दो सूट इस्त्री करके रख लिए हैं, बल्कि तीन की हैं वाइट वाले, तो तीनों करके रख लिए हैं कि भाई ये तीनों हो गए हैं, जब मर्जी पहने कोई टेंशन नहीं। तो अभी जी मैं ये भी संभाल लूँ, ये मैं लहदा लहदा कर रही थी, तय तो मैंने बाहरी लगा ली थी, अभी जी मैं ना लहदा लहदा कर रही हूँ अपनी बेटी के और अपने और मेरे बेटे के हैं ये वाले, ये इधर हो ये पैंट शर्ट है तो जल्दी मेरी जस्ती है ये हो गया अलहदा जी। तो अभी जी फरमाइश हो गई है सूजी के हलवे की, तो यहाँ पर मैंने ना गिरी बना ली है और मेवे भी मैंने इधर ना ये साफ करके रख लिए। तो जी अभी मैंने ना ये चूल्हा जला लिया, घी डाल दिया मैंने इसमें, सूजी को भी मैंने अच्छे से छान लिया, अभी जी मैं इसमें डाल देती हूँ और इसकी अच्छे से गोल्डन बनाई करते हैं। गोल्डन हो जाएगी तो फिर मैंने इसमें ना थोड़ा सा दूध डाला, मैंने आज सूखा हलवा बनाना है। जी तो मैंने ना एक कप दूध डाल दिया इसमें और चीनी डाल दिया और मेवे और गरी डाल दिए, अभी जिसको हल्का सा मैंने भूना है तो बस मैंने प्लेट में निकाल दिया।
बस ये मैंने इसको ट्रे में निकाल लेती हूँ, इसको हम जमा लेते हैं, जल्दी जल्दी जम रहे हैं। पहले मैं सारा निकाल लेती हूँ, फिर मैं इसको सेट करती हूँ। ये जो जमता जा रहा है ये देखो, जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैंने ये हलवा ना भेज दिया अपने मियाँ साहब को, अभी जी ये चाय मांग रहे थे, उनके लिए चाय भी बना ली है। तो जी अभी उनको देते हैं चाय, और वीडियो का भी यहीं पर एंड कर देती हूँ। और जिस मेरे बहन भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, और कमेंट करके बताएं कि आज के हमारी जो रूटीन की मैंने वीडियो बनाई आपको कैसी लगी है। तो ये हलवे की लुक देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी है। अभी थोड़ा सा गर्म है, लेकिन ये कि जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, फिर इतना हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, तो अभी थोड़ा सा नरम है। तो जी उनको तो फरमाइश थी, उनको तो बड़ी जल्दी थी कि जल्दी जल्दी दें मुझे, मैं खा लूँ। तो जी इसी के साथ ओके जी, अल्लाह हाफिज़।